आगे हम बात करते हैं किसकी, न्यूक्लिक एसिड की, जिसमें हम बात करेंगे किसकी, डीएनए और आरएनए की। ठीक है, देखिए, अ ग्रुप ऑफ केमिकल ऑफ हाई मॉलिकुलर वेट कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। यानी कि केमिकल्स जिनका हाई मॉलिकुलर वेट है, जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, जिनके अंदर हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो होती है, सेल्स का रेप्लिकेशन होता है और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेलुलर प्रोटीन होती है। ठीक है, इनको न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इनको कहाँ खोजा गया था, न्यूक्लियाई ऑफ सेल, सेल के न्यूक्लिया में इनको खोजा गया था, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, न्यूक्लिक एसिड पड़ गया। दे हैव अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म अ शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन बेस। ठीक है, इनका जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है वो शुगर से बनता है, फॉस्फोरिक एसिड से बनता है और नाइट्रोजीनस बेस से मिलकर बनता है। यदि हम इनके टाइप की बात करें, न्यूक्लिक एसिड के टाइप की बात करें, तो ये हमें दो देखने के लिए मिलता है, एक होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड और दूसरा होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डीएनए, और राइबो न्यूक्लिक एसिड को कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में आरएनए। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, डीएनए की। ठीक है, अ कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियाई एसिड ऑफ हायर मॉलिकुलर वेट कंसिस्ट ऑफ मैनी न्यूक्लियोटाइड, यानी कि इसका मॉलिकुलर वेट क्या रहेगा, हाई रहेगा, और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हमें देखने को मिलेंगे। कोई भी न्यूक्लिक एसिड है उसकी यूनिट को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब अपन न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर डी ऑक्सी राइबो शुगर रहेगा, जैसे पेंटो शुगर होती है, फॉस्फोरिक एसिड रहेगा और एक चार बेसिस में से कोई एक बेस रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो चार बेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, डीएनए के अंदर पाए जाते हैं, जिनमें से दो होते हैं प्यूरिन्स और दो होते हैं क्या, पिरिमिडिन्स। प्यूरिन के अंदर आता है एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन के अंदर आता है थायमिन और साइटोसिन। इनमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, आज मैं आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर कर देता हूँ। देखिए, हमें ध्यान रखना है कि इसका पिरिमिडिन का, पिरिमिडिन के अंदर हम क्या देख रहे हैं, बाई फॉर्म आ रहा है, और थायमिन के अंदर भी क्या आ रहा है, बाई आ रहा है, और साइटोसिन के अंदर भी क्या आ रहा है, बाई आ रहा है। लेकिन एडेनिन के अंदर कहीं बाई आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। ग्वानिन के अंदर कहीं बाई आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो पिरिमिडिन के अंदर बाई है, तो थायमिन के अंदर भी बाई रहेगा, साइटोसिन के अंदर भी बाई रहेगा। तो पिरिमिडिन के अंदर क्या आएंगे, थायमिन और साइटोसिन आएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। एडेनिन हमेशा अटैच होगा किसके साथ, थायमिन के साथ, और ग्वानिन सदैव अटैच होगा किसके साथ, साइटोसिन के साथ। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने लायक है कि जो ए टी के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो डबल बॉन्ड है, और जो जी और सी के बीच में जो डबल बॉन्ड बॉन्ड जो बन रहा है वो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। सबसे पहले डीएनए स्ट्रक्चर की जो बात करी गई थी, वॉटसन और क्रिक ने 1953 के अंदर एक मॉडल प्रस्तुत किया था, उस मॉडल का नाम क्या था, डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो न्यूक्लियोटाइड एक लॉन्ग टू लेंथ चेन के रूप में ट्विस्ट रहते हैं आपस में। ठीक है, जिससे क्या बन जाता है, डबल हेलिक्स बन जाता है, और जो दो बॉन्ड्स आपस में बन रहे हैं, जो दो चेन हैं आपस में बन रही हैं, वो जुड़ती कैसे हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ती हैं। जैसे ये एक अलग चेन है, ठीक है, और ये दूसरी वाली एक अलग चेन है, तो इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड बनेंगे, इन बॉन्ड को ये कौन से बॉन्ड होंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीएनए प्रेजेंट इन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट रहता है, और केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, जो कि जीन का काम करता है, विच कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जेनरेशन टू अनदर जेनरेशन। अब अपन बात करते हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए, डीएनए की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आखिर है क्या। डीएनए हेरिडिटी का बेसिक मॉलिक्यूल है, जीन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी मेड ऑफ डीएनए, न्यूक्लिक एसिड जीन्स क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। ठीक है, और डीएनए क्या है, बेसिक मॉलिक्यूल ऑफ हेरिडिटी है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, मॉलिक्यूल पूछे तो डीएनए आपको लगाना है, और यूनिट पूछे तो क्या लगाना है, जीन्स को लगाना है। न्यूक्लिक एसिड जिसमें हम डीएनए की बात कर रहे हैं, स्टोर हो सकते हैं, एक्सप्रेस हो सकते हैं, ट्रांसमिटेड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ठीक है, डीएनए या फिर आरएनए की हम बात करते हैं, इनके अंदर क्या हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, यानी कि जो इनकी स्ट्रक्चर है वो बिगड़ सकती है, और ये प्रोड्यूस करते हैं फिर किसको, अबनॉर्मल सेल को, जिसे अपन मैलिग्नेंट सेल भी कहते हैं। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, और आरएनए फिर क्या सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जिसे अपन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस कहते हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने आ रही है क्या, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आजकल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज़ किया जा रहा है रिसर्च के फील्ड में, पैटर्निटी आइडेंटिफिकेशन के लिए, यानी कि कौन सा किसका पेरेंट है। ठीक है, आजकल आपने बहुत ज़्यादा केस सुने होंगे कि ये मेरा बाप है या ये मेरी माँ नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, उसका डीएनए मैच कर लेते हैं। यदि बाप से उसका डीएनए मैच हो जाता है, तो फिर यहाँ पे किसी भी प्रकार की शक की गुंजाइश नहीं रहती है, 100% श्योर है कि ये उसका ही बेटा है। और लीगल सिचुएशन में इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो रेप केसेस होते हैं, वहाँ पर यदि सीमन का स्पॉट है या फिर ब्लड हमें मिल गया, तो वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इनफ सैंपल हो जाता है। अगले न्यूक्लिक एसिड की अपन बात करते हैं, तो वो क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे अपन आरएनए कहते हैं। राइबिक न्यूक्लिक एसिड का सिर्फ एक ही काम है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है सभी लिविंग सेल के अंदर। आरएनए क्या है, सोल न्यूक्लिक एसिड इन सर्टेन वायरस, यानी कि कुछ वायरस के अंदर भी हमें देखने को मिलता है, जिसे अपन आरएनए वायरस कहते हैं। एक्सेप्ट फॉलोइंग स्ट्रक्चर डिफरेंस आरएनए इक्वल टू डीएनए, यानी कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर डिफरेंसेज हैं जो कि आरएनए के अंदर अलग होते हैं, इसके अलावा सारे के सारे जो इसके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं वो बिल्कुल डीएनए जैसा ही है। ठीक
जैसे आरएनए के अंदर शुगर कौन सी होती है, राइबोस शुगर होती है, और वहाँ कौन सी थी, डीऑक्सी राइबोस शुगर थी रेदर देन डीऑक्सी राइबोस शुगर इन डीएनए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आरएनए के अंदर जो पिरिमिडिन पाया जाता है वो कौन सा है, यूरेसिल है, और वहाँ कौन सा था, थाइमिन प्रेजेंट होता है किसके अंदर, डीएनए के अंदर, यानी कि टी की जगह क्या लिया जाएगा, यूरेसिल बेसिस नाइट्रोजन बेस का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल, या डीएनए के अंदर दो मॉलिक्यूल, या फिर हम बात करें डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है डीएनए, वहीं आरएनए क्या है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए तीन प्रकार के होते हैं, देखिए सबसे पहला होता है एमआरएनए, जिसे अपन मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ये डीएनए के लिए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टेम्पलेट, यानी डीएनए टेम्पलेट का जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ये मैसेंजर आरएनए बनता है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन सिंथेसिस का पहला स्टेप है, ये मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस करता है जो कि एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाता है किसकी, डीएनए जीन की। इट कैरीज द कोड ऑफ स्पेसिफिक अमीनो एसिड सीक्वेंस फ्रॉम द डीएनए प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ये खींच के लाता है। इट इज 10 to 20% ऑफ टोटल आरएनए, ये टोटल आरएनए का 10 से 20% बनाता है। इसके बाद आता है हमारे सामने कौन सा, टी आरएनए, जिसे अपन कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, या फिर सोल्यूबल आरएनए, या फिर एस आरएनए, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए टी आरएनए कैरीज द अमीनो एसिड ग्रुप फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करता है, अमीनो एसिड की पहचान तो करता है कौन, मैसेंजर आरएनए। ये ट्रांसफर आरएनए यानी कि ये उस अमीनो एसिड ग्रुप को खींच के लाएगा साइटोप्लाज्म से, और कहाँ ला के रख देगा, राइबोसोम के लिए ला के रख देगा कि भाई आप अमीनो एसिड से क्या बनाइए, प्रोटीन का सिंथेसिस करना स्टार्ट करिए। ये भी टोटल आरएनए का 10 से 20% बनाता है। इसके बाद आता है सबसे लास्ट में राइबोसोमल आरएनए, जिसे अपन आरआरएनए कहते हैं। राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, ये राइबोसोम के अंदर एग्जिस्ट करता है और प्रोटीन सिंथेसिस में असिस्टेंट का काम करता है। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस हमने राइबोसोम के अंदर भी पढ़ लिया था क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस की साइट कौन सी होती है, राइबोसोम होती है, और ये टोटल आरएनए का 60 से 80% बनाता है।